वहीं भोपाल दिल्ली ट्रैक पर सांची रेलवे स्टेशन पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सांची रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र के सांसद रमाकांत भार्गव, पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी उपस्थित रहे। सांची रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास किया जा रहा है। इस विकास से यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही लोगों को रोजगार मिलेगा। आज के कार्यक्रम को देख के तो हर व्यक्ति को ये समझ में आ रहा है कि मोदी जी कितनी तन्मयता के साथ इस देश के हर क्षेत्र को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन हमारे यहाँ के हमेशा सभी का मन खराब हो जाता था, वहाँ की अविकास अविकसित स्थिति को देख के गंदगी सफाई का अभाव रहता था, लेकिन ऐसा मॉडल वो बना रहे हैं कि न सिर्फ उसका पुनर्विकास हो रहा है, कायाकल्प हो रहा है, बल्कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का भी प्रोविज़न इस प्रकार से रहेगा कि हमेशा वो साफ सुथरा शीशे की तरह चमकते हुए हमारे रेलवे स्टेशन रहेंगे। एक बहुत बड़ा काम का आज भूमि पूजन लोकार्पण पूरे देश में हुआ है, हमारे मध्य प्रदेश में भी 33 स्टेशन और बहुत सारे ओवर रेलवे ओवर ब्रिज और अंडर पास स्वीकृत हुए हैं, उसके काम शुरू हुए हैं और कई काम जो पूरे हो गए उसके लोकार्पण हुए हैं।